Hey beautiful beings, hello and welcome back to YP5. This is me, Samiksha. So this video is going to be all about my law of attraction experience. मैंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैनिफेस्ट की. वैसे तो बहुत है, लेकिन दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो दैट्स वाई इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड वाई आई एम गोना शेयर दैट विद यू, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. जब तक आपको आपके सामने एक प्रूफ ना हो, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव ऑन समथिंग कि वो काम करती है कि नहीं. तो आई वॉन्टेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस कि इसने मेरे लिए कैसे काम किया और कैसे काम किया और ये क्या है, इट्स यू नो. तो इट ऑल स्टार्टेड फॉर मी इन 2021. आई वॉज हैविंग अ नॉर्मल यू नो लंच विद वन ऑफ माई कलीग एंड मेरी बहुत अच्छी दोस्त. And we were talking and she suggested me, जैसे बातें करते करते normal हम बताते हैं एक दूसरे को, तो उसने मुझे एक book recommend की कि like read this book, Secret, बहुत अच्छी है, कभी time मिले तो. The Secret, एक movie भी है YouTube पे, तो उसको देखना, तुझे बहुत अच्छी लगेगी. क्योंकि उसको पता था I used to keep reading books, you know, जो कहीं ना कहीं self-development के लिए you know बहुत अच्छी है, famous है. तो उसने मुझे बोला you will feel really good, you know, you go and watch this movie. तो what I did is मैंने YouTube से सबसे पहले YouTube पे जाके वो देखा, because book मैं order करूँगी तो it will take time, but मैंने book भी order कर दी कि आई वॉन्टेड टू कीप इट विद मी अगर ये genuinely अच्छी है. तो मैंने ना द सीक्रेट मूवी देखी एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने वो मूवी देखी उस दिन जो मेरा इमीडिएट थॉट था वो ये था कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है. हो सकता है कि आपकी इमीडिएट रियलिटी में आज आप शायद इतनी अच्छी पोजिशन पे ना हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, यू नो, इमोशनली मे बी यू आर नॉट एट दैट स्टेट जो आप पाना चाहते हैं. और मे बी कहते हैं ना कुछ लोग कि बहुत बड़े तुम सपने देख रहे हो, लेकिन विश्वास रखो कि यू हैव दैट यू नो केपेबिलिटी उनको कंप्लीट करने की. तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम अचीव नहीं कर सकते हो. एवरीथिंग इज पॉसिबल. दिस होल यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू दैट, इट इज गोइंग टू ब्रिंग टू दैट. अब सुनने में ना ये बहुत अच्छा लगा, मतलब आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ लाइक यू नो आई वॉज हैविंग दैट फीलिंग कि वाओ, मतलब समीक्षा सब कुछ यू नो यू कैन अचीव. लेकिन वो कहते हैं ना यकीन ऐसे नहीं होता. मैंने एक एक चीज़ को, जब मैंने उसकी बुक मंगवाई ना, तो वो बुक जब मैंने रीड आउट की, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड उसका बुक का भी एंड यूट्यूब में जो द सीक्रेट मूवी का जो लिंक है वो ऐड अप कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं. बुक पॉसिबल नहीं होगा अगर पढ़ने का इतना टाइम नहीं निकाल सकते, तो प्लीज़ मूवी ज़रूर देखना एक बार, डेफिनेटली इट्स अ वर्थ वॉच. तो देन वॉट आई डिड ना, वॉट आई डिसाइडेड, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें ये कहते हैं कि यू आस्क व्हाट यू वांट टू हैव फॉर योरसेल्फ, बिलीव करो कि वो आपको मिलेगा, एंड थर्ड इज़ यू रिसीव. सो इट्स आस्क, बिलीव एंड रिसीव. ये मुझे इस बुक ने सिखा दिया. उसके बाद मैंने बाकी यूट्यूबर्स के एक्सपीरियंसेस देखे कि क्या होता है ये, क्या काम करता है. जस्ट लाइक वी हैव अ लॉ ऑफ ग्रेविटी, वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो वहाँ से आई गॉट टू नो कि ये एक्चुअल में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के बारे में बताते हैं. यस, इसकी कुछ टेक्निक्स भी होती हैं इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है. तो वहाँ से मैंने इसको यू नो सीखा. मैं इस वीडियो में बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हो. मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. तो मैं इसकी थ्योरी में तो यू नो अभी डीपली नहीं जाऊँगी, बट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कुछ टेक्निक्स जो है वो देखी इंटरनेट पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या क्या स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है, जिसमें से मुझे एक टेक्निक बहुत अच्छी लगी, दैट इज 3-6-9. जो भी आपको चाहिए उसको तीन बार लिखो, 6 times लिखो, 9 times लिखो, right? तो मैंने अब ये सोचा कि समीक्षा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम समथिंग वेरी बेसिक. कोई भी बेसिक सी चीज में, जैसे आपके फेवरेट फ्लावर्स, आपकी फेवरेट कॉफी, आपकी एक स्पेसिफिक कलर की ड्रेस जो आप हमेशा सोचते हो. तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक इफ यू वॉन्ट टू ट्राई ना, तो स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग बेसिक. तो मैंने क्या पिक किया, माई फेवरेट फ्लावर्स विच इज़ रेड रोजेज. सो आई थॉट आई एम गोना मैनिफेस्ट अ बुके ऑफ रेड रोजेज. तो मैंने 3-6-9 टेक्निक को आई स्टार्टेड इट इन 2021 नवंबर दिसंबर का टाइम है. आई एम गोना ऐड दो स्क्रीन शॉट्स इन टू द वीडियो, जिसमें
आई स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन. तो 369 टेक्निक जो है वो कहती है कि व्हाट यू वांट, जस्ट फील इट, विजुलाइज इट एंड यू नो राइट इट. मैंने उसको लिखना शुरू किया कि आई लव बुके ऑफ रेड रोजेज, आई एम रिसीविंग देम एंड दे आर सो ब्यूटिफुल. और उसके साथ ना एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका एक पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, विजुलाइजेशन. उस चीज़ को विजुलाइज करो. तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं क्या ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि तभी मेरा बिलीफ इस पे बढ़ेगा कि हाँ दिस एक्चुअली वर्क्स. अभी तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये काम करेगा भी कि नहीं. हाँ मैंने सुना था, मैंने बुक पढ़ी, मूवी देखी, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली. तो मैंने क्या किया कि 369 टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने लिखना शुरू किया. मुझे जब जब भी टाइम मिलता था ना, आई जर्नल, ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में शेयर की है तो मैं वो सब स्क्रीनशॉट्स इसमें ऐड करूँगी. तो मैंने ना लिखना शुरू कर दिया. 2021 नवंबर दिसंबर की बात है. तो हुआ क्या कि कुछ कुछ मंथ्स हो गए एंड मेरे माइंड में फिर वही चीज़ आना शुरू हो गई कि मैं तो लिख रही हूँ एंड आई एम फीलिंग. मैं उसको विजुलाइज़ करती थी. मेरा टेबल, मेरे बेड के साइड में जो टेबल है, मेरे लैंप के बिल्कुल साइड में, जिस दिन वो आएगा मैं उसको वहाँ रखूँगी. आई यूज़ टू फील द फ्रेग्रेंस ऑफ यू नो हैविंग रेड रोजेज मेरे बेडरूम में. एंड मतलब नाउ इवन आई फील, क्लोज माई आईज, आई कैन सी देम, आई कैन विजुलाइज देम, आई फील दैट हैप्पी. मैंने वो चीज़ फील करना स्टार्ट की, बिलीव करना शुरू किया कि हाँ मैंने रिसीव कर ली है. क्योंकि विजुअलाइजेशन में कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको फील करना है कि वो चीज़ आपके पास है, द फ्रेग्रेंसेज ऑफ रेड रोजेज एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. ओके, तो मंथ्स गुजर गए बट आई वॉज इवेंचुअली, कभी कभी बीच में मुझे ऐसा होता था कि मैं जब लिखती भी थी ना, मुझे होता था बैक ऑफ द माइंड 8% भी कि यार होगा. बट कहते हैं इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी डाउट नहीं करना कि तुम्हें ये चीज़ मिलेगी कि नहीं. तो जब भी मेरे माइंड में वो 1% डाउट आता था, आई इमीजिएटली यूज टू शिफ्ट मेरी थॉट प्रोसेस की नहीं, आई विल रिसीव. तो हुआ क्या कि 2022 में नवंबर दिसंबर की बात है, तो हमारा एक इवेंट आने वाला था, बहुत बड़ा ऑफिशियल इवेंट, एंड इट हैपेंड ऑन 3rd December 2022. तो 3 December 2022 का टाइम था एंड इट वॉज 12:30 इन द आफ्टरनून. तो हम लोगों की अलग अलग टीम्स थी. मेरे जो फ्रेंड्स थे वो जिस टीम में थे, उस टीम का काम था कि जो भी बाहर से चीफ गेस्ट्स एंड ऑल आएंगे उनको रोजेज के जो बुके हैं वो उनको हैंड ओवर करने थे, जो भी आ रहा है एज अ वेलकम यू नो गेस्ट. तो आई वॉज इन टू अ डिफरेंट टीम. तो हुआ क्या कि मैंने जिस टीम में मैं काम कर रही थी, जो मेरा टास्क था, उसमें मेरा काम फिनिश हो गया एंड आई इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स दैट साइड अपने फ्रेंड्स के पास. तो दे वर होल्डिंग दैट एंड मुझे याद नहीं है अभी भी लाइक कौन वो पर्सन था, ही गेव दैट बुके ऑफ रेड रोजेज टू मी, उसने मुझे हैंड ओवर किया. एंड वो कहते हैं ना कि मैम कुड यू जस्ट होल्ड इट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आई एम जस्ट गोइंग, मैं जाके आता हूँ, सो आई जस्ट कम बैक इन फ्यू मिनट्स. एंड आई वॉज लाइक नो इशूज, आई वॉज होल्डिंग दैम. स्टिल मेरे माइंड में बैक ऑफ द कहीं पर भी ये नहीं था कि यार कहीं होने तो नहीं वाली विश पूरी. बट हाँ, कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे होता गया, लोग मेरे साथ, हम एक लाइन में खड़े थे, सब फ्लावर्स दे रहे हैं, आई एम होल्डिंग दैट बुके ऑफ रेड रोजेज इन माई हैंड एंड मैं ये सोच रही हूँ कि कोई आ क्यों नहीं रहा, वाई इट्स लाइक नो वन इज़ कमिंग टू मी एंड मुझसे ले क्यों नहीं रहा वो बुके मेरे हाथ में ये रेड रोजेज़ का. मैं उसकी वीडियो भी अभी इसमें एडअप करूँगी, 3rd December 2022 की मैंने अपनी इंस्टा पे ऐड की थी एंड आई एम होल्डिंग इट. एंड इवेंचुअली हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जब गेस्ट्स ख़त्म हो गए एंड वो बुके मेरे हाथ में ही है, उसके बाद आई वेंट टू लंच विद माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड वो बुके फिर मेरे हाथ में है. एंड वो बड़े मेगा इवेंट से यू नो जाना एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दैट बुके, क्योंकि ऐसा था ना कि बुके इसका काउंट था ऑफिशियली, लाइक कितने रोजेज डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितने बज गए, नोबडी केम टू मी. एंड आई वॉज लाइक कि समीक्षा ऐसा तो नहीं है कि कहीं यार आज तेरी विश पूरी होने वाली हो. एंड यू नो आई कैन स्टिल फील दैट इमोशन, इट्स एग्जैक्टली देयर. मुझे उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था, क्योंकि वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर एंड फ्रेश एंड मैं वो फील कर पा रही हूँ यू नो उस मोमेंट को. आई वॉज होल्डिंग देम एंड हुआ क्या कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई हेयर स्टाइलिस्ट दैट डे की यार, मतलब बिकॉज मुझे विजिट करना था उनको, तो हेयर कट एंड बेसिक रूट टचअप लेना था. तो ही कॉल्ड मी कि मैम इफ़ यू आर फ्री ना तो आप आ जाओ. तो इट वॉज अराउंड 2:33. आई एम होल्डिंग स्टिल दोज बुके ऑफ रेड रोजेज. मैं वापस आई ऑफिस में एंड ऑफिस से जब मैं घर निकलने लगी एंड आई वॉज होल्डिंग देम, everyone was there, the higher officials and all. Nobody even asked me, Samiksha, ki itna bouquet roses ka leke tum where you are going. And trust me, wahan se leke from the parking, you know, meri gaadi tak, koi nahi mila mujhe us din. Nobody was there, absolutely. Otherwise, koi dekh le ya kuch bhi hota na, like, oh, you are having the bouquet. I don't know. I went, I took them, I came back home that day and I cried literally. And मैंने फटाफट से अपनी वो डायरी, वो मेरी सबसे पहली डायरी थी जिसमें मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की थी, आई ओपनड इट एंड आई सॉ इट. मैंने वो रोजेस को एग्जैक्ट उसी सेम पोजिशन पे, टेबल पे, जहाँ पे मैं उसको विजुलाइज करती थी, लैंप की साइड में रखा,
इट वॉज जस्ट अ बंच, इतना ज़्यादा बंच था वो रेड रोजेज का, मतलब जितना बुके में होता है नॉर्मली उससे भी ज़्यादा था वो. एंड आई केप्ट देम देयर एंड आई क्राइड यू नो दैट डे. एंड मुझे मैंने सबको बताया, टू ऑल माई फ्रेंड्स, माई मॉम एंड यू नो सबको, कि यार मेरी विश पूरी हो गई. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, दैट इज़, इसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही अट्रैक्ट की अपनी लाइफ में, और वो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी टाइमली अपने वो एक्सपीरियंसेस. एंड मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की, मेरी जो इससे लर्निंग ये थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो कोई मिरेकल नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिंपली क्या है, आपकी जो बीके शिवानी, सिस्टर बीके शिवानी जी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स बोलते हैं स्टेटमेंट, संकल्प से सृष्टि. आई मीन जो भी हम सोचते हैं ना, हमारी इमीडिएट रियलिटी में वो कन्वर्ट होता है. तो अगर आप इसको गूगल करोगे ना, तो यू विल गेट टू नो दैट इस पर ऑलरेडी बुक्स बनी हैं. लाइक हमारे थॉट्स, जैसी चीज़ें हम सोचते हैं वही चीज़ें अल्टीमेटली हमारी रियलिटी में कन्वर्ट होती है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई स्टोरी. इसलिए आप जो भी चीज़ सोचते हो ना, वो छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, वो डेफिनेटली यू नो आप उसको अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. आपको भगवान से मांगनी है, भगवान, यूनिवर्स, कुछ भी आप कहते हो, आपको मांगना है उसको, देन आपको विश्वास रखना है कि वो आपको मिलेगी. दैट्स फेथ, व्हेन यू अल्टीमेटली होल्ड दैट फेथ. थर्ड जो मैं अपनी एंड से ऐड करना चाहती हूँ, इस आपको एक्शन लेना पड़ता है. क्योंकि अगर वो इवेंट होता और मैं उसमें जाती ही ना, सपोज कि आई डोंट वॉन्ट टू गो, तो शायद वो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती. तो अपॉर्चुनिटीज़ कोई छोड़नी नहीं है. कहीं पर भी आपको लगता है ना, गो देयर. यू नेवर नो कि यूनिवर्स ने किस पर्सन के थ्रू, किस इवेंट के थ्रू आपकी वो विश आप तक पहुँचानी है. तो इसलिए एक्शन लेना है आपको अपने एंड से. अबाउट माई यू नो स्टोरी, तो अब वॉट इज द टास्क फॉर यू पीपल इज, इफ यू वॉन्ट टू चेक इट नाउ, स्टार्ट फ्रॉम समथिंग बेसिक, फ्रॉम योर फेवरेट स्वीट टू योर फेवरेट फ्लावर, और फ्रॉम योर फेवरेट ड्रेस दैट यू वॉन्टेड टू हैव फॉर योर सेल्फ. सोचो उसके बारे में, गिव इट अ पॉजिटिव थॉट और अ फीलिंग, विजुलाइज इट कि वो तुम्हें मिल गई है, एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन दैट येस, इफ इट इज येस इन योर केस, आपने कैसे इसको मैनिफेस्ट किया है. एंड ट्रस्ट मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स नॉट अ मिरेकल, इट वर्क्स, इट वर्क्स. वॉट एवर यू थिंक गेट्स कन्वर्टेड इन टू योर रियालिटी, इट कम्स टू यू. ये बहुत छोटी चीज़ है, बट यू कैन मैनिफेस्ट लिटरली एनी थिंग इन योर लाइफ. तो मैंने अपनी जो पुरानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ थी, उसमें वीडियो में आई हैव एडेड सम टेस्टिमनीज ऑफ द सेलिब्रिटीज़ एंड द पीपल, यू नो लोग अपनी लाइफ में इसको कैसे यू नो इम्प्लीमेंट, जिन लोगों ने किया एंड दे हैव रीच्ड दैट यू नो हायर लेवल. एंड द यूट्यूब आई स्टार्टेड वॉज ऑल्सो यू नो इट वॉज वन ऑफ माई मैनिफेस्टेशन. आई स्टार्टेड एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट, मैंने और जो चीज़ें मैनिफेस्ट करके रखी हैं वो सब हो रहा है, यू नो धीरे धीरे. तो आई कीप शेयरिंग दैट विद यू इन ऑर्डर टू गिव यू दैट यू नो पॉजिटिविटी, कि येस तुम जो भी सोच रहे हो वो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड यू नो विद रिस्पेक्ट टू मैनिफेस्टेशन. यू स्टार्ट फ्रॉम योर्स, स्टार्ट फ्रॉम समथिंग बेसिक एंड लेट मी नो इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू और नॉट. एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, द यूनिवर्स वर्क्स आउट फॉर यू, इट इज लिसनिंग टू यू 24/7. सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.